छुट्टी की बात आपने की, तो कांग्रेस भी काफी देर तक सत्ता में रही राज्य में, लेकिन तब भी छुट्टी नहीं हो पाई, और आज उसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आज आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं आप इसके लिए? नहीं, मैं कांग्रेस को दोषी नहीं मानता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उस समय ये डिमांड ही नहीं थी। आप जरा ये नोट करें कि ये डिमांड कब से शुरू हुई। ये डिमांड उठाने वाले बीजेपी के लोग थे और लोग थे, और अब जब जाके ये डिमांड एक प्रोविंशियल लेवल पे डिमांड हुई है, तो अब जाके इसके बारे में लोगों को एक जागरूकता मिल रही है कि नहीं, महाराज हरि सिंह जी के नाम से छुट्टी होनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये छुट्टी, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, जब हम लोग सत्ता में आते हैं, ये छुट्टी का ऐलान हम लोग जरूर करेंगे। सर, लाल सिंह जी कल आए थे, उन्होंने आपके ऊपर भी कटाक्ष किया है, काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, अभी इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी बात सामने रखेंगे। मुझे अपनी जनता और अपने वोटर्स पे 100% भरोसा है। ये उन्होंने सोच समझ के वोट देना है कि किसको जिताना है, इस दफ़ा किसको लोकसभा का सदस्य बनाना है। मेरे ख्याल हमारे वोटर्स से ज़्यादा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। बाकी जो भी कैंडिडेट आके जो मर्जी बोले, इस समय उनको खुली छूट है। सर, स्थानीय मुद्दों से क्या आप अवगत हैं? जो जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कुछ वादे भी किए थे, केंद्रीय विद्यालय का वादा था, उसके बाद टोल का एक बड़ा मुद्दा है जो कि यहाँ की जनता लगातार उठा रही है, क्या आप उनसे अवगत हैं, और अगर आप जीते तो क्या उनको हल करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसे स्थानीय मुद्दे हमारी 17 असेंबली सेगमेंट्स में अलग अलग हैं। आप ये हमारी बहुत बड़ी असेंबली पार्लियामेंट्री सीट है, और मैंने जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब जगह यही आश्वासन दे रहा हूँ कि जितने भी स्थानीय मुद्दे होंगे, हम बैठ के वहाँ पे अपनी लीडरशिप के साथ जॉइंटली हम लोग तय करेंगे कि प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना है। अगर आप कहें कि मैं झूठ बोल के आपसे झूठे वादे कर लूँ, तो भाजपा और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जॉइंटली तय करेंगे कि हर एक इलाके में वहाँ पब्लिक की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है, वहाँ पे कमी पेशी क्या है, लोगों की मुसीबतें क्या है, वहाँ पे बैठ के तय करेंगे कि कहाँ पे डेवलपमेंट एजेंडा हमने फॉलो करना है। कांग्रेस को पीडीपी और एनसी की भी सपोर्ट मिली है, क्या अपने बल पर कांग्रेस सक्षम नहीं थी इस सीट को जीतने के लिए? नहीं, बिल्कुल थी, लेकिन अगर हम एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं, किसी चीज़ को सोच समझ के कर रहे हैं, अगर हम ये सोचते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें सपोर्ट आया है या पीडीपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, तो उनके मन में कोई सोच होगी। और हमें इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, अगर हमें समर्थन मिल रहा है तो इलेक्शन में तो आपको सभी से समर्थन लेना चाहिए ना। हमें तो जीत से मतलब है, हम तो जीत हासिल करके दिखाएंगे आपको। पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सर? पार्टी के कई मुद्दे रहेंगे, एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा है, हमारे पीस और स्टेबिलिटी का मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रियासत के लिए, जो एक डिस्टर्ब हो चुकी है पिछले 4-4.5 साल में, तो और भी हालत ख़राब से ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है। तो स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, पीस कैसे लाया जाए, और हमारे जो तीनों खित्ते हैं, लद्दाख के, कश्मीर के और जम्मू के, तीनों खित्तों की सुनवाई कैसे हो, और लोगों के लिए न्याय कैसा किया जाए, और डेवलपमेंट कैसी की जाए, यही हमारे मेजर मुद्दे हैं। सर, किस तरह रिस्पांस मिल रहा है, जगह जगह आप जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, मेरे प्रति, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमें एक्सपेक्टेशन से बढ़िया ही रिस्पांस मिल रहा है। मौका है मेरे साथियों, ये मौका नहीं गवाया हुआ है, बहुत अच्छा मौका है कि इस वक्त आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री की सीट जीती सकते हैं। आज जड़ी है सेकुलर फोर्सेस ते जेड़े लोग एक इंक्लूसिव सोच रखते हैं, जेड़े लोग अग बुझाने का काम करते हैं, अग लगाने का काम नहीं करते हैं, उन पार्टियों ने मिगी जॉइंट कैंडिडेट चुने का। बहुत अच्छा मौका है साढ़े को कि इन्हें दस चाह कि इन्हें जवाब देना चाहिए इस दफा कि 2014 ने जो तुम्हें कहीं झूठे वादे किए, जेड़े गलत काम किए, जेड़े तुम्हें अपना एजेंडा तो एक भी चीज़ नहीं निभाई, वह जवाब असं हूँ देना है। साढ़े को वक्त आई है, मैं नैशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के लीडर्स की भी अपील करगा कि तुम सच्चे दिल के मन कने साढ़े कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स कने लीडर्स कने मिलिए काम करो। मैं चाहना कि तुम सारे जने अपने हाथ खड़ा करिए, वायदा करो कि तुम्हें उधमपुर की पार्लियामेंट्री सीट जिताइए, कांग्रेस पार्टी की झोली च पाना है, क्योंकि तुम्हें सच्चे मन कने काम करना है, तो सीट असं जितानी है। नोटबंदी की सारी माने भैन ने किसी का पैसे कटी देने सरहने खा रखे होंगे साढ़े को टाका लाइए पैसे वो भी कटी दे, ये कोई चौकीदार का कम है? बड़ा सोया बिक्रम जी उनका भरा एम एल ए है साढ़े जो नैशनल पार्टनर रविंदर रैना दविंदर रैना उन्हें दविंदर राणा होने प्रोटेस्ट किया जो टोल खुलिया
सरकार कोलिशन ही उस वेले बीजेपी ने पीडीपी ने सरकार की इतना जोड़ा विधायक था वो बीजेपी का सरकार में बैठ और इतना फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऐसे पुरानी किस्म का शिक्षा गुप्ता का जाग उसे बैठे रहा उन्हें धरना दिता कि भाई एक टैक्स गलत है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जगंदरा जगंदरा के डंसार के असें भी खप पाई उसे असेंबली के कौंसल के बीजेपी की सरकार आ गई कि महाराज रियासी टैक्स लगना लगना लेकिन बीजेपी की सरकार का कोई विधायक बोलिया और पार्टी मैं एम पी आखा मिगी पता घट नहीं है कि उन सिरे का टपेरे का अच्छा उठे सुना शुक्रिया जाओ जम्मू डीसी आए कहीं मीटिंग कराऊंगी जाओ थोड़ी रियासी आए डीसी कहीं मीटिंग कराऊंगी जम्मू वाले डीसी को जिसका जाओ वह आता मेरे पास की गल नहीं है सेंटर का काम है और जो आदमी एम पी सेंटर की सरकार के नरेंद्र मोदी ने कहने सजे खा पैसे खड़ोते ना वो टैक्स माफ कराई सके थोड़ा टोल ना थोड़ी उस केंद्रीय विद्यालय एक चीज जी साड़ी सारे कम ने इंता कोई कम नहीं स्पैशल लेकिन हम तुम एक और गल सुना कहते परसों का एक और पिता बनी नहीं पहले कटरे वाले पास हा उन्होंने आखा एम पी ए कटरे वाले का पास भी कह सकते हो कठुए का नहीं कहते शांतपुर रावत तक चली जाओ वो आ रहे एम पी ने कोई कम नहीं किया मुझे उम्मीद है अगर हम मेहनत से दिल लगी से काम करेंगे तो इस बार 44,000 वोट जो है वो यहाँ से विक्रम को मिलना चाहिए ईमानदारी से ये काम अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो हमें वोट मिलेगा करने के मुश्ताक अहमद जी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस करने काम करना चाहते हैं दिनेश और इन्हीं में कोई एक चक्कर ये भुखारी देते नहीं होती भारतीय जनता पार्टी वाले भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको तारीफ करनी है कि मेरी एक गल कैसा हवा कर दी है उसे जनानी ने घर आला मरी है चमका चमका करता है और दुनिया भी एक इन्हें मुल्क खेलने की कोशिश की थी कि लोग तारीफ कर आस्था आस्था रोके की उस महीने का उनका सारा सौदा इन्हें जी एस टी का कपूर खेलना पड़ता तो उन्हें क्या करना पड़ा क्या दुकान करनी है उन्हें ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਇਆ ਇਹ ਛੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ